सागर में रजक समाज के द्वारा संभागीय स्तर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर बैठक में समाज के पदाधिकारियों ने आपसी विचार मंथन कर अपनी बरसों पुरानी मांग को लेकर रणनीति तैयार करते हुए इसके प्रति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं सामाजिक न्याय मंत्री को ज्ञापन सौंप ध्यान केंद्रित करा। समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की आवाज उठाई गई। रजक समाज के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आयोजित संभागीय बैठक की शुरुआत पहलवान बाबा मंदिर परिसर में हुई, जहां लंबे समय से समाज के द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा देते हुए समाज के उत्थान की दृष्टि से उनकी मांग को पूरा करने की उठाई जा रही आवाज पर अब तक यथोचित निर्णय नहीं लेते हुए कोई प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किए जाने पर समाज जनों में खासा आक्रोश देखा गया और भेदभाव की रणनीति के तहत प्रदेश के तीनों जिलों में समाज जनों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर आक्रोश भी देखा गया और इस भेदभाव पर विरोध दर्ज कराते हुए शासन से संपूर्ण प्रदेश में रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग रखी। इस दौरान समाज के शोषित, पिछड़ी, वंचित श्रेणी में आने के कारण समाज को मुख्य धारा से जोड़ इसके उत्थान के लिए प्रयास पर जोर दिया और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से विनय निवेदन कर अविलंब समाज का हित हो सके इसको पूरा करने की आवाज उठाई। साथ ही मामले में जल्द समाज की मांग पूरी नहीं होने पर मजबूरन हक और अधिकार की खातिर प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करने का भी ऐलान किया। आयोजित बैठक में संभाग भर में बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। क्या रणनीति बनाएंगे? अभी हम लोग पिछले 50 साल कांग्रेस रही सत्ता में, समय समय पर हम लोगों ने उनसे भी बात की लेकिन कुछ नहीं। और 15-20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की भी सरकार है और इस समय केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अब हम लोगों को एक आशा की किरण दिख रही है कि हमारे टीकमगढ़ सांसद डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी समय समय पर हमारी मांग लोकसभा में उठाते रहे। अब चूंकि वे उस विभाग के सामाजिक न्याय मंत्री हैं, इसलिए हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चा आज की तारीख में सारे संभागीय मुख्यालयों पर रजक समाज ज्ञापन दे रहे हैं। अगर इससे सरकार की नींद नहीं जागती है तो हम लोगों का अगला कदम उग्र आंदोलन के रूप में धरना प्रदर्शन, उसके बाद आगे जो भी और भी प्रदर्शन है वो हम लोग करेंगे। पूरे सागर संभाग के रजक समाज के लोग आए हैं, क्योंकि शासन प्रशासन से एक ही मांग है कि हमारे समाज को जो अभी वर्तमान में सीहोर, रायसन और भोपाल में SC कैटेगरी में आती है, संपूर्ण भारत में SC में शामिल किया जाए, क्योंकि आज भी हमारे गांव समाज की हालत आर्थिक, शैक्षणिक बहुत ही ख़राब है। अस्पष्टता का भाव अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हमारे दलित, शोषित और वंचित समाज को SC दर्जा जो शासन दे देता है, इससे हमारे समाज का बहुत ही विकास होगा, ऐसी हम मांग कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में संयुक्त मोर्चा रजक समाज ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज के दिन संभाग स्तर पर मुख्यमंत्री महोदय भोपाल, प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार, गृहमंत्री भारत सरकार और डॉक्टर वीरेंद्र खटीक न्याय मंत्री जो है दिल्ली, उनके ज्ञापन देने का आयोजन किया है और ये आयोजन संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज ही के दिन 4 तारीख को हो रहा है। ये ऐसा क्यों है कि 3 जगह पे आपको SC की मान्यता है लेकिन शेष जगहों पे नहीं है? ये इसी भेदभाव के लिए कि आपने 3 जगह क्यों दिया, जबकि हमारे समाज की स्थिति सीहोर, भोपाल और रायसेन के समाज संपूर्ण भारत मध्य प्रदेश में ये शासन हमारे साथ भेदभाव कर रहा है और भेदभाव खत्म होना चाहिए। क्या सुनना लिखा? OP बाथरी संयुक्त रजक मंच का सह संयोजक बीजा